नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब तक विपक्ष के निशाने पर सिर्फ सरकार का कामकाज था, लेकिन अब व्यक्तिगत बयानबाजी भी एंट्री हो गई है यहां की राजनीति में। अब आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ प्रवास पर इन दिनों, भूपेश बघेल के उस नाम को लेकर उन्हें तंज कसा जिस नाम से वे छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच में प्रसिद्ध हैं, काका। जी हाँ, भरोसा है, काका है तो भरोसा है, काका भी जिंदा है। और इन तमाम उद्घोषों ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को काका यानी कि काका के तौर पर यहाँ की जनता ने पहचान दी, संबोधन दिया था। रिपोर्ट आप देखिए। ये काका नहीं है, ये काका है, और ये काका सारे जनता के पैसे को खा खा। अगर ना आए तो भूपेश की बत्ती गुल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में, जो इस देश का एक राज्य है, यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो चेहरा अपना हसमुख लोगों को मोहने के लिए, नाम काका, ये कक्का नहीं है, ये काका है, और ये काका सारे जनता के पैसे को खा खा गए हैं। उसी का जांच पड़ताल भी करते चल रहा हूँ, और ये सारे पैसे डगाड़ गए हैं। इधर मामले में सीएम भूपेश बघेल ने व्यक्तिगत टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहा, ये संबोधन छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझे अपनी भावनाओं के जरिए दिया है, और कोई इस पर टिप्पणी कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहा है। सीधी बात है कि ये मैं अपने टाइटल तो मैंने खुद नहीं दिया है, पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है, काका है तो भरोसा है, काका भी जिंदा है। तो ये लाइन जहाँ भी जाओ, वहाँ चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और यदि वो काका को खाखा बोल रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता अपने से होके कहा, मैंने तो नहीं कहा भाई मुझे इन शब्दों से संबोधित करिए, तो जनता का प्यार है जिन्होंने उसे। और काका शब्द का शायद अर्थ गिरिराज सिंह जी शायद नहीं जानते, इस कारण से वो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। साफ है, चुनाव नजदीक है और सियासत आरोपों के जरिए हो रही है, मगर इन बयानों के जरिए वार पलटवार ने संकेत दे दिया है कि इस बार छत्तीसगढ़ की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि काका नहीं है, खाका है, और तो वहीं उसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि ये जो टाइटल है मुझे जनता ने दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह को शायद काका का मतलब नहीं पता है, ये सीधे तौर पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। तो लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो लगातार जुबानी हमले भी नेताओं के तेज हो गए हैं, और
आ गए हैं। गिरिराज सिंह मोर्चा संभाल लिया है छत्तीसगढ़ का, 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और जाकर महाजनसंपर्क अभियान को बल दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में आके। नितिन भंसाली हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। के शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत के जी। सुशांत शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सुशांत शुक्ला आप ही के साथ, क्या कहना चाहते थे गिरिराज सिंह आखिरकार खाका कह के भूपेश बघेल को? सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है सर, आ रही है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब देखें तो अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित भूपेश बघेल की सरकार ने अगर छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटकर एक वंशी परिवार की चरण वंदना की विचारधारा को समर्पित करते हुए और लूट लूट कर एटीएम में परिवर्तित करते हुए कांग्रेस की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया और छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को ठगने का काम किया, इसलिए उन्होंने कहा कि खा ना कि काका। अगर ये कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, तो भूपेश है तो लूट है, भूपेश है तो अराजकता है, भूपेश है तो अत्याचार है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है। लेकिन सुशांत तो भाई वो तो कह रहे हैं कि साहब ये तो छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है भूपेश बघेल, क्योंकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नाम मैंने खुद नहीं दिया, टाइटल ये जनता ने दिया है, छत्तीसगढ़ या लोगों ने दिया है, छत्तीसगढ़ के युवाओं ने दिया है, प्यार से उन्हें काका कहते हैं वो। सरकार के विज्ञापन में भूपेश है भरोसा का विज्ञापन छपे और जनता ने नाम दिया, ये बात तो समझ में नहीं आती साहब। अगर छत्तीसगढ़ के 16 लाख आवास लोगों को वंचित है तो लूटने का काम तो किया ना खाका ने और उस पैसे को खाकर। अगर छत्तीसगढ़ की महतारी, विधवा महतारी रायपुर के बूढ़ा तालाब में अराजकता के तौर पर पुलिसिया दमन की तरह उठाई जाती है तब तो अस्मिता की बात ये नहीं करते हैं। जब छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार होता है तब तो ये अस्मिता की बात नहीं करते हैं। जब ये गौथानों में व्यापक लूट, ठीक है, इनकी आवाज नहीं आ रही है हमारे साथ, अब फोन इनका कट गया। नितिन भंसाली साहब आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाओं का पैसा भूपेश बघेल टकार गए तभी नाम दिया गया खाका। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या नितिन भंसाली साहब? ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। के शर्मा मुझे सुन पा रहे हैं? और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा का सिलसिला जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासी लड़ाई अस्मिता पर आई क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो चुनाव से पहले जुबानी जंग, नेताओं के तेज हो गए हैं जुबानी हमले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय दौरे पर हैं और महाजनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसी दौरान गिरिराज सिंह ने कह दिया कि भूपेश बघेल काका नहीं है, भूपेश बघेल खाका है। जैसे ही बात भूपेश बघेल को पता चली उन्होंने कहा पलटवार करते हुए कि ये छत्तीसगढ़ियों का अपमान कर रहे हैं गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ में आके, ये टाइटल काका का टाइटल मुझे दिया गया है छत्तीसगढ़िया लोगों के द्वारा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के द्वारा, छत्तीसगढ़ की माता बहनों के द्वारा। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। नितिन भंसाली प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, सुशांत शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नितिन भंसाली साहब, सुशांत शुक्ला कह रहे थे कि खाका नाम तो सही कह रहे हैं गिरिराज सिंह, क्योंकि तमाम सारे केंद्रीय योजनाओं के पैसे डकार गए भूपेश बघेल और युवाओं को, लोगों को, छत्तीसगढ़ लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, ये पैसा डकारा जा रहा है, खाका खा रहे हैं, तो खाका नाम दिया है। तो खाता न भाई, गिरिजा शंकर सिंह जी जो बोले सब सही। ये जो छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर ये जो छत्तीसगढ़ियों का अपमान कर रहे हैं, इसका जवाब डिबेट में मैं तो दूंगा ही, पर चुनाव में जनता देगी इन्हें। बजरंग बली की गदा जो कर्नाटक में पड़ी है वो लगता है उसमें इन लोगों की अकल अभी ठिकाने आई नहीं है, उससे बुरे हाल इनके छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। काका ये शब्द जो है एक स्नेह से, प्रेम से, आदर से छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को काका कहते हैं, काका है तो भरोसा है, काका अभी जिंदा है। आप रैलियों में, सभाओं में देख सकते हैं युवा जोश से पीछे से चिल्लाते रहते हैं काका काका। तो ये उन 2,80,00,000 जनता का अपमान है जो गिरिजा शंकर सिंह जी ने किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं को, क्योंकि तो कोई बड़ा नेता माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि इनके डीएनए में ही इस तरीके की संस्कृति है।
आप यदि वो कैलाश विजयवर्गीय की बात करेंगे तो उन्होंने हमारे भारत की लड़कियों को कह दिया था कि सुपर्णखा है। इसके अलावा वो डी बुरेंद्रेश्वरी प्रभारी आई थी छत्तीसगढ़, उन्होंने बोला कि भाजपा का कार्यकर्ता थूकेगा तो पूरा कांग्रेस बह जाएगा। तो इस तरीके की ओछे शब्दों का उपयोग करना और संस्कृति का अपमान करना, लोगों की भावनाओं के साथ उनकी भावनाओं का अपमान करना, ये बहुत ही कुछ राजनीति है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं का जो पैसा है वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा छत्तीसगढ़ में। मैंने तो एक लाइन पे जवाब दिया, आपने डिबेट जिस विषय पर रखी आप उस विषय पर बात करें तो बेहतर है। मेरी पहली लाइन में ही आपका जवाब था कि खाता न बही गिरा, गिरिजा शंकर सिंह जो बोले सब सही, इनके पास तथ्य तो है नहीं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो घूम घूम के ये जो साल डेढ़ साल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस प्रकार के ऊंचे शब्दों का ये उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 5-7 के आंकड़े तक भी जो पहुंचने वाले नहीं पहुंच पाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो पहले अपना गिरेबान जाके राजनीतिक सुचिता का पालन करें और ये जो अपमान किया इसके लिए क्षमा। ठीक है, के शर्मा साहब, क्या यही राजनीतिक सुचिता बची है अब क्या राजनीतिक दलों के अंदर, एक दूसरे पर इस तरह से पर्सनल अटैक करना, काका को खाका कह देना, ये कहां तक जायज है? क्या राजनीति में इस तरह की बयानबाजी उचित है चुनाव के लिए कुछ भी? व्यक्तिगत हमलों से ये होता है कि आप मूल मुद्दे से भटक जाते हैं। इस तरह से अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने जवाब दिया काका शब्द को लेकर, वास्तव में काका नहीं है, छत्तीसगढ़ी में काका है। हाँ। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में मामा है वैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में काका है, काका। और इसका मतलब ये कि मैं मुद्दे की बात कर रहा था, मुद्दे पर जवाब देने के जगह में मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 56,200 करोड़ रुपए के राज्य की प्राप्तियां हैं तो केंद्र सरकार से प्राप्त होती है 49,801 करोड़ रुपए, 1,21,00,000 के बजट में, 1,21,000 करोड़ के बजट में ये केंद्र की राशि है। इस राशि में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये मुद्दे की बात होनी चाहिए। इसके जगह में आप काका में उलझ रहे हैं, खाका में उलझ रहे हैं, तो वास्तविक मुद्दे से आप भटक जाते हैं। नितिन भंसाली जी जैसे काका शब्द कई व्याख्या में रहे, वास्तव में केंद्र सरकार से जो प्राप्तियां की बात की जा रही है उसमें जैसे मैंने जैसे केंद्र की ओर से भाजपा कांग्रेस ने लगातार आरोप कहा है कि जीएसटी की राशि समय पर नहीं मिल रही है, कोयले की रॉयल्टी नहीं मिल रही, इस प्रकार के तमाम जो केंद्र पर आरोप लगाए थे उन पर चर्चा करने के बजाय में शाब्दिक में उलझ जाना मुझे लगता है कि जनता के साथ न्याय नहीं होगा। यदि आपके पास भ्रष्टाचार के विषय है तो आपने केंद्र से जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 5,000 करोड़ भ्रष्टाचार को लेकर जांच के लिए भेजा, यहाँ अलग प्रकार से ईडी की कार्रवाई आप लगातार कर रहे हैं शराब को लेकर, कोयला को लेकर, तो तमाम जो कार्रवाई हो रही है उसके रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। केवल सरकार बनेंगी तो कार्रवाई करेंगी, यही बात कांग्रेस के ऊपर लागू होता है कि 15 साल सरकार में रही उन पर भ्रष्टाचार हुए तो आपने 4.5 साल में क्या कार्रवाई की। यह जनता के बीच आना चाहिए वास्तविकता में। भ्रष्टाचार देश का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा यदि कहीं है तो इस पर बात होनी चाहिए। इसके जगह में शाब्दिक शब्दों में मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा तो हर जगह होनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन सुशांत शुक्ला, नितिन भंसाली कह रहे हैं ना खाता ना वही, गिरिराज सिंह जो कहे वही सही, आपके पास मुद्दा तो है नहीं, मुद्दे विहीन हो गए हैं आप, तो इस तरह की कुछ नहीं तो चले ओछी राजनीति कर लीजिए, नाम को लेकर नाम बिगाड़ लीजिए भूपेश बघेल का। देखिए मेरे साथी नितिन भंसाली जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। हाँ। परंतु उनको केंद्रीय मंत्री जी का पूरा नाम भी नहीं मालूम, ये कांग्रेस की समझ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जिस प्रदेश में सिर्फ लूट और लूट और लूट और अस्मिता की बात जब ये करते हैं तो वो बेमानी होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास से 16 लाख आवास से आज गरीब वंचित है छत्तीसगढ़ में, शौचालय के स्वच्छता अभियान से आज गरीब वंचित है छत्तीसगढ़, वृद्धा पेंशन बंद है, जननी सुरक्षा योजना बंद है, मुक्तांजलि योजना बंद है, राशन दुकानों में राशन नहीं है। और हद तो तब हो जाती है साहब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल भेजा तो 33 महीने तक 1,50,000 मीट्रिक टन चावल ये खा गए। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके मंत्री की विधानसभा में बयानबाजी स्पष्ट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि केंद्र की योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार है और भूपेश बघेल की संरक्षण में अगर माफिया तुष्टिकरण गुंजा रहा है और नशे के व्यापार को सरकारी संरक्षण है, पूछना चाहता हूँ ना कि आखिर इनके मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद सार्वजनिक है कि नहीं है, तहसील गिरवी और आपके भू माफियाओं की राग है कि नहीं है, उद्योग के नाम पर प्रताड़ित किया जाता हो छत्तीसगढ़ में तब ये अस्मिता की बात नहीं करते। परंतु मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि गिरिराज सिंह जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है वो कका के संदर्भ में नहीं
वो खाका के संदर्भ में है, क्योंकि उनने संसाधनों को खाका एक वंशी परिवार की शरण वंदना में समर्पित कर दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब बोलने दीजिए, आरोप लगाया आप तो जवाब तो सुनिए नितिन भंसाली जी का। घोटाला चिट फंड का, अरे नितिन जी बोलने नहीं दे रहा, कहां तुम आप रखेंगे? अब जवाब सुन लीजिए, सुशांत शुक्ला जवाब सुन लीजिए प्लीज। खरीदी में घोटाला, अरे घोटाले बाज, आज दिलान तक अपने नेताओं को न्याय दिलाने की व्यवस्था नहीं दिला पाए, तो क्या वो छत्तीसगढ़ को एक तो लालू यादव थे जो गौवंशों का चारा खा गए, और एक भूपेश बघेल है जो गौवंश का आवाज खा गए। ये छत्तीसगढ़ की वास्तविक हकीकत है। जल जीवन मिशन के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार है। राज्य सरकार की एक भी एजेंसी, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, राज्य सरकार की एक भी एजेंसी एक ऐसी योजना का नाम बताए जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो और जिसका उद्घाटन कर चुके हैं। बताइए, पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल के नाम पर पार्टी छोड़कर राजनीति करने वाले वर्ग जैन की राजनीति के प्रणेता भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को भाग रहे हैं। आज बताइए स्थिति रही तो ठीक है। नितिन भंसाली क्या लगता है, क्या भूपेश बघेल की लोकप्रियता नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है विपक्ष को, इसलिए इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है? आप दोनों बोल रहे थे, मैं सवाल ऐसे करता हूँ, आप दोनों बोल जाते हैं। सुशांत शुक्ला आपसे सवाल नहीं था प्लीज। सुशांत शुक्ला मेरा सवाल आपसे नहीं था, आप ही बोल लीजिए या फिर और दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। उनको डाउन कीजिए, सुशांत शुक्ला को डाउन कीजिए। कर्नाटक में फेल हुआ है, अभी पूरे देश से सफाया होना चाहिए है, चिल्लाते रहना फिर आप लोग जो उलूल जुलूल बातें करते हैं। चूचू का मुरब्बा बनाना आसान है साहब, ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ की जनता बात जो रही है की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नाम में प्रदेश की मातृशक्ति आपने खड़ा ना मंगल वोट पाने के बाद बिगड़ जाती है, तो छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति आज आपको जवाब। ठीक है, इतने केंद्रीय सरकार की योजनाओं का एग्जीक्यूशन छत्तीसगढ़ में हुआ तो 15 साल बाद फिर आपकी सरकार आप दोबारा क्यों नहीं, चौथी बार क्यों नहीं बना पाए नितिन सुशांत शुक्ला? अगर आपकी सरकार ने इतने अच्छे काम किए केंद्र में प्रदेश में, तो आप हार क्यों गए चुनाव, जीत जाते ना दोबारा? छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया, हमने स्वीकार किया, लेकिन तो सम्मान कीजिए जनादेश का, जनादेश के मुखिया का। पर्सनल कमेंट तो करते हैं, कौन पर्सनल कमेंट कर रहा है, कौन पर्सनल कमेंट कर रहा है? खाका कह रहे हैं भूपेश बघेल को गिरिराज सिंह, मैं तो तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। एक भी तथ्य का जवाब दीजिए, एक भी तथ्य का जवाब दीजिए। कहा भाई भाजपा कहती थी कि शराब दुकानों को 2 काउंटर रखते हैं, तो भूपेश बघेल जी के व्यवसायिक साथी उसका संचालन करके आज ईडी ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि 2 काउंटर लगते थे और 2000 अधिक करोड़ का घोटाला के घोटाले में इसके इनका मुख्यमंत्री का सचिवालय लिखा है। ईडी ने चुनौती के साथ स्वीकार करते हुए आरोप इनका मुख्यमंत्री का सचिवालय लिखा है भ्रष्टाचार, तो मुख्यमंत्री कैसे दूध के धुले हो सकते हैं, आप बताइए ना मुझे। ठीक है, केके शर्मा सर, क्या स्थिति है मतलब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में? ये एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है भूपेश से तो भरोसा है, गिरिराज सिंह कहते हैं कि खाका है, कका नहीं है खाका है, तो जमीनी स्तर पे बीजेपी की क्या स्थिति है? एक तो इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, कि अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, कमल के फूल पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं इनके बड़े नेता, तो कभी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, ऊपर से इस तरह की बयानबाजी कर दे रहे हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी है कि जमीनी स्तर पर मुद्दे उठ नहीं पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो क्या मुद्दों की कमी वाकई में है? शिवम जी, छत्तीसगढ़ में पहले ही क्लियर हो चुका था कि केंद्र सरकार की योजनाओं और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी भाजपा, इसको देखते हुए भूपेश बघेल पहले ही भाग गए थे, और स्थानीय मुद्दे और अपने चेहरा कहा जाए, भूपेश बघेल का खुद का चेहरा जिसको अभी कहा जा रहा है भूपेश है तो भरोसा है की बात आती है, या भरोसे का सम्मेलन जो लगातार कर रहे हैं, इसके साथ ही जो स्थानीय मुद्दे मैंने मतलब छत्तीसगढ़ मंडल नरवा गरुआ गरुआ बारी जितने प्रकार के न्याय योजनाओं की बात करें, ये सब योजनाओं के जरिए चुनाव लड़ने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी ध्यान देने की बात है, यदि नहीं हुआ तो यही चीज की कमी आ रही है कि हमने इतने धान का जो पैसा दिया, जो 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान का पैसा दिया है, या गरीबों को पैसा दिया, आदिवासियों को अनुपज खरीदी, इसके जरिए
जरिए वो मकान बनाए, ये भी बात आई थी। तो ये क्लियर है कि स्थानीय मुद्दे स्थानीय चेहरा पे कांग्रेस लड़ रही है और भाजपा जो है मोदी के चेहरे और केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही, तो उसको निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों पर आना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में अंतर को छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी समझती है। और जो पिछले चुनाव में जो 68 सीट की बात करें, 90 में से या 11 में से 9 लोकसभा चुनाव ये भाजपा को देने की बात करें, तो जनता ये सब बातें समझती है। यदि भ्रष्टाचार की बात है तो छत्तीसगढ़ से किस नेता को सजा हुई, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है जी। ठीक है, और एक हाल ही में नया घोटाला लिया है बीजेपी के लोग, के शराब घोटाला हो गया, एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को अंदर करा दिया, तो शराब घोटाले वाला मुद्दा कितना तूल पकड़ेगा, लगता है इसमें कुछ हो पाएगा भला बीजेपी का? निश्चित रूप से अभी इसमें जांच हो रही है, कोर्ट में चलान फूटा हो रहा है, चलान के आधार पर जानकारी है इसमें वास्तविकता कितनी सच्चाई है, क्या क्या बातें सामने लाती है, और जो ईडी कोर्ट में पेश कर रही है ना, कोर्ट में क्या स्थिति आती है और कब तक आती है, क्या चुनाव तक यदि रिजल्ट यदि ईडी पुष्टि कर लेती है कि शराब घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला, तो निश्चित रूप से भाजपा को लाभ होगा, यदि पुष्टि नहीं कर पाई तो ये उल्टा दांव भी पड़ सकता है जी। ठीक है, सुशांत शुक्ला कुछ कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने वरिष्ठ पत्रकार भी साथी के साथ में है और कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता भी साथ में, क्या आयुष्मान योजना से वंचित करके छत्तीसगढ़ की जनता आखिर भूपेश बघेल जी ने किस छत्तीसगढ़ी अस्मिता की आवाज बढ़ाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आयुष्मान जैसी महत्वपूर्ण योजना से छत्तीसगढ़ की जनता को वंचित कर कौन सी छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात इन्होंने की? मैं आपसे किस तरह, आपकी आवाज अब तक ठीक नहीं आ रही, पीछे जरा ऑडियो ठीक कीजिए सुशांत शुक्ला का। हेलो, हाँ ठीक है, आप सवाल कीजिए सर। मैं पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाकर आयुष्मान कार्ड योजना से वंचित करके छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसे कौन सी आपने सम्मान की व्यवस्था दे दी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मातृशक्ति को शराबबंदी के नाम पर बंपर वोट धकेलने वाले भूपेश बघेल आज दिनांक तक उनके सम्मान में क्यों वंचित? मैं पूछना चाहता हूं कि रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास हमारे कोरोना काम करने वाले शासकीय कर्मचारी की विधवाओं को पुलिस बलात्कार पर उठा के ले जाती है, तो कौन सा छत्तीसगढ़ी अस्मिता का सम्मान उन्होंने कर दिया? नितिन भंसाली जी का ऑडियो उठाइए। कौन थी? मैं पूछना चाहता हूँ कि युवा आज दिनांक तक ठगा गया हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि मंत्री मुख्यमंत्री आपसी मतभेद में लड़ रहे हो, छत्तीसगढ़ के मंत्री लापता हो और छत्तीसगढ़ संवैधानिक ढांचे के संतुलन को खो चुका हो, अब छत्तीसगढ़ की कहां की अस्मिता की बात आती है? और अब तो तब होती है साहब जब छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में वर्ग संघर्ष की राजनीति करने वाले भूपेश बघेल जी प्रशासनिक संरक्षण में एक वर्ग विशेष के लोगों को व्यवहारिक संरक्षण देते हो, और तब वो पीरमपुर रायपुर कवर्धा सुकमा नारायणपुर जैसी घटनाओं को उल्लेखित होती हो, तो छत्तीसगढ़ को शांत टापू को अशांत करने वाले भूपेश बघेल एकमात्र कारक है छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम कहते हैं कि वो ककर नहीं वो खाखा है। ये पहचान थी इस प्रदेश की, खाकर डगर तक नहीं लिए इनके नेताओं ने, ये खाकर योजनाएं बंद और वसूली चालू है साहब, आप क्या बात करोगे? दाऊद टैक्स से पूरा छत्तीसगढ़ प्रताड़ित है, पूरा छत्तीसगढ़ खनिज के नाम पर लोहे पर वसूली पर अधिकारियों के तबादले पर दाऊद टैक्स एकमात्र वसूली है। आज आपको बताना चाहता हूँ पुलिस अपना मनोबल खो चुकी है, क्योंकि हर महीने उसको वसूली का लिफाफा पहुंचाना पड़ता है मुख्यमंत्री कार्यालय में। आपको जवाब देना सच है क्या नितिन मंसाली जी, सच है क्या? आवाज नहीं आ रही आप मुझे, आप प्रश्न करिए, आपकी आवाज आ रही है। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक पूरा खाका पहुंचाना पड़ता है वसूली का पुलिस के द्वारा, आयुष्मान योजना का छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा, ये तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के। बोला शुरू में मैंने एक लाइन में इनके सारे बेतुके सवालों का जवाब दे दिया था। अरे शिवम जी आप अपने माध्यम से पूछ लें इनसे, एक योजना का नाम बताइए जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। गोबर बेचने होगी, गोबर भी बेचा होगी ना इनसे, इधर बिजली बिल हाफ का लाभ भी ले रहे हैं। अरे वो डॉक्टर रमन सिंह बिजली बिल बिजली बताना पड़ रहा है, बिजली बिल की बात कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं आपको मैं कि कर्जा लेके बिल पटाना पड़ रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? कहाँ कौन कर्जा लेकर आप लोगों की प्रवक्ता कल बनाया जाता है, पहले से फोन बोलना सिखाया जाता है, इनके ट्रेनिंग डबल हो गया, हाथ होने बढ़िया डबल हो गया,
हाथ छोड़वा नसबंदी का गर्भाशय का क्या बात कर रहे हैं और उसका वसूली करता है मुख्यमंत्री का सचिवालय ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका समय हमारे पास इतना ही है। नितिन भंसाली जी आपका शुक्रिया, के शर्मा साहब आपका शुक्रिया, सुशांत शुक्ला हमारे साथ थे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं की जो जुबानी हमले हैं वो भी छत्तीसगढ़ में तेज होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जुबानी हमलों से ही सत्ता मिल पाएगी या फिर अपनी अपनी सरकारों का रोड मैप जनता के सामने दिखाना होगा राजनीतिक दलों को, तब सत्ता मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।